यू कैन से, हम ऐसे बोल सकते हैं, हम किसी भी बस में अगर हम बैठते हैं तो बस का जो सीट है तो हमारे एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए वो हमारे लिए बुक रहता है। उसके बाद क्या होता है, जब हमारा डेस्टिनेशन आ जाता है तो वी हैव टू लेव दैट प्लेस, हम वो जगह पर जगह को छोड़ना पड़ता है। सो गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस इज जस्ट लाइक दैट, विच इज यूज टू फ्री द मेमोरी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज नॉट रिक्वायर एनी मोर। और जो जगह वो बनता है उस जगह पर वो क्या करता है ना, नया मेमोरी वहां पर एलोकेट करता है। दिस गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस इज ऑटोमेटिकली गोइंग ऑन, ये ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस चलता है। द कंपाइलर और द प्रोग्राम इज नॉट हैविंग एनी कंट्रोल ऑफ इट, वो ऑटोमेटिक ये मेमोरी मैनेजमेंट करता है। लेकिन हम अगर दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखेंगे सो इन दैट पार्ट फॉर दिस गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस वी आर यूजिंग कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या करता है ना, ऑटोमेटिक मेमोरी एलोकेट करता है और डिस्ट्रक्टर उसको डी एलोकेट कर देता है। तो जावा में ये जो फीचर है गार्बेज कलेक्शन, ये ऑटोमेटिक ही मेमोरी मैनेजमेंट करता है। सो यू आर नॉट बदर अबाउट दैट वेयर यू हैव टू एलोकेट दिस मेमोरी, सो दैट यू हैव इंडिपेंडेंट फॉर दिस मेमोरी एलोकेशन। ये जो मेमोरी एलोकेशन, वॉइस क्लियर हो नहीं? ना सर, जस्ट अ मिनट। First, let me share the screen. It will be better gradually. Okay. I have just discussed about, मैं discussion कर रहा था garbage collection के बारे में। तो garbage collection जो है वो use होता है memory management करने के लिए। You can say like घर में जो आपका dustbin जो होता है, तो your garbage collection is just working as this dustbin. ओके, तो जो घर का कचरा होता है वहां पर हम डाल देते हैं। तो सिमिलर वे जावा में गार्बेज कलेक्शन जो होता है वो डस्टबिन के तरह काम करता है। जब आप मेमोरी एलोकेट करते हो जो वैल्यू स्टोर करने के लिए, वो आपका क्या करता है ना, मेमोरी एलोकेट करता है, और जब आपका वो चीज जरूरत नहीं है उसको डी एलोकेट कर देता है। तो गार्बेज कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ deallocating the memory which is not required. Okay, so you just give on a heading garbage collection, Gibson heading garbage collection,
garbage collection is the process. Garbage collection is the process. Which is used to free the memory of the object, to free the memory of the object garbage collection is the process which is used to free the memory of the object which is not required, which is not required anymore. This deallocate, it is deallocate the on reference, it is deallocate the on reference object. Sir, repeat the question. It is deallocate the on reference object. Required for today. Well, which is not required, Tavre? Which is not required anymore. Which is not required anymore. The feature that we are using, Java programmer doesn't need to know the internal function of Java, such as how memory is allocated to the data. Memory allocation and deallocation is happening in the Java automatically. ये automatically आपका जो memory allocation और deallocation यहाँ पर होता है. And Java is a object oriented language. Object orientation means Java support object orientation approach. To develop a program. As already we discussed about the object orientation, you know that by using the object orientation, you have to enhance the functionality of the existing class. आप किसी भी function को आप enhance कर सकते हो. Okay, without rewriting the entire code. Suppose मुझे मैं एक software बनाया और उसको deliver कर दिया customer को. कस्टमर को कुछ चेंजेस चाहिए तो मुझे पहले से वो सॉफ्टवेयर दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा. आई जस्ट एडेड द न्यू फीचर, आई जस्ट क्रिएट द पार्ट दैट आई एम एडेड. जैसे कि आपका जब गाड़ी चलाते हो और आपका जो टायर है उसमें कुछ पंक्चर हो जाता है, सो एट दैट टाइमिंग आई एम नॉट चेंज द एंटायर व्हील, आई जस्ट गिव ए पैच ऑन इट, मैं वहां पर पैच लगा देता हूँ तो एडजस्ट हो जाता है. जो रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट के बेसिस में मैं काम करता हूं. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन ऐसा ही बोलता है. तो इट सपोर्ट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन अप्रोच टू डेवलप ए प्रोग्राम. कंपाइल एंड इंटरप्रेटेड, एज ऑलरेडी आई डिस्कस कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, द वर्क फॉर कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर इज व्हाट इन जावा वी आर यूजिंग बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर का काम क्या है? सो इट इज ट्रांसलेटिंग द स्टेटमेंट लाइन बाय लाइन. तो जो आपका स्टेटमेंट है वो लाइन बाय लाइन उसको स्टेटमेंट को प्रोसेस करता है. लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम क्या है? सपोज यू आर राइटिंग द 100 लाइन्स ऑफ कोड. मैं 100 लाइन्स ऑफ कोड लिखता हूँ एंड आई गॉट द एरर इन द 98 नंबर ऑफ लाइन. मुझे जो 98 नंबर लाइन में मेरा कोई प्रॉब्लम आ गया है इधर, देन आपका जो कंपाइलेशन है अगेन शुरू होगा बिगिनिंग. तो मेरा क्या हुआ, वहां पर जो टाइम एफर्ट है उसमें मेरा ज्यादा लगा. तो मेरा तो कंपाइलेशन हो चुका है 98 नंबर लाइन तक, तो वहां पर एरर आया तो मैं एरर को सॉल्व किया. तो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली. तो व्हाई आई एम गोइंग टू अगेन टू कंपाइल,
interpreted is very good. Why? As because it will check the line by line coding. अगर line by line check होता है तो आपका program का efficiency ज्यादा बढ़ता है. It means what? Like आपका error होने का chances बहुत कम है and आपका जो output आएगा उसका efficiency of the program is very high. So there we are using interpreter. लेकिन यहाँ पर problem हो जाता है क्या? अगर आपका किस line पर error होगा फिर से आपको beginning में शुरू करना पड़ेगा. So in that cases I use here compiler. So what is the work of the compiler? So अगर आप किसी भी line पर error आता है तो it is start the compilation from that line only. आपको फिर से beginning से जाना नहीं पड़ेगा. So that we can say it is a compiler and interpreter program. So Java support, Java is a such a language which support the both two things. One is compiler, another is interpreter. Portable is what? It refers to the ability of a program to run on any platform without changing the source code. मुझे कोई अगर मैं विंडोज एनवायरमेंट में प्रोग्राम लिख रहा हूं और वो प्रोग्राम को लेकर मैं लिनक्स प्लेटफॉर्म में रन करूंगा और वो प्रोग्राम को लेकर मैं उबंटू में रन करूंगा तो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मुझे वो कोडिंग को चेंज नहीं करना पड़ेगा. आई हैव टू रन द सेम कोडिंग. मुझे कोई एक्स्ट्रा लाइन्स ऑफ कोड वहां पर इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा. सो दैट इज कॉल एज व्हाट? दैट इज कॉल एज पोर्टेबल. आप यूज करते ना पोर्टिंग, नंबर पोर्टिंग होता है, मतलब आपका नंबर चेंज नहीं होगा. पोर्टिंग का मतलब क्या है? योर नंबर आज सेम बट योर नेटवर्क आज चेंज. मतलब मेरा कोडिंग सेम है, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करूंगा लेकिन मेरा कोई फंक्शनैलिटी चेंज नहीं होगा. जो पर्सन मुझे कॉल करेगा वही मेरा नंबर पे कॉल करेगा बट नेटवर्क प्रोवाइडर इज डिफरेंट. सो दैट इज कॉल्ड अ पोर्टेबल. सो इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस लैंग्वेज. If you see this structure, Java file is stored with the extension of .java. Java file जो होता है वो हमारा with the extension of .java में हम store करते हैं. उसके बाद Java compiler उसको compiling करेगा और उसको dot class में file में convert करेगा. डॉट क्लास फाइल इज नथिंग बट इट इज अ बाइट कोड. इसको बोला जाता है बाइट कोड, 0 and 1 फॉर्मेट में रहता है. देन देयर इज अ क्वेश्चन आ रहा है जैसे योर प्रोग्राम इज अंडरस्टैंड दिस 0 and 1 फॉर्मेट. आंसर इज नो. तो अगर मैं आउटपुट को 0 and 1 फॉर्मेट में दूंगा इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बींग दैट यू हैव टू डिकोड दिस 0 and 1 फॉर्मेट. मेरे पास ऐसा याददाश्त नहीं है तो मैं इतना नंबर को याद रखूंगा. तो अभी क्या होगा ना, आपको इसको आपका लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो वहां पर JVM रोल प्ले करता है. JVM इज व्हाट? इट इज अ इंजन ऑफ जावा. हर एक प्रोग्राम को लिखने के लिए कोई जैसे कि आप नॉर्मल इंग्लिश लिखते हो, हिंदी लिखते हो, यू आर यूजिंग द डिफरेंट लैंग्वेजेस. तो जो लैंग्वेजेस आप सब लिखते हो उस लैंग्वेज का कुछ रूल्स रहता है. उस रूल्स को बोला जाता है सिंटैक्स ऑफ प्रोग्राम. The syntax of program or the grammar of the program is called the syntax here. तो यहाँ पर JVM क्या करता है, आपका जो dot class file और 0 and 1 format में जो file होता है इसको convert कर देता है Windows को Windows machine code में, Linux को Linux, Unix को Unix machine code में और Macintosh को machine code में convert कर लेता है. अभी डिस्ट्रीब्यूटेड जावा इज डिजाइन फॉर ए डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरमेंट ऑफ इंटरनेट बिकॉज इट सपोर्ट वेरियस इंटरनेट प्रोटोकॉल सच एज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल. TCP इज व्हाट? Suppose at the specific time, if you count that now it is a what 8.2
2:01 PM, 8:20 PM, 21 minutes. In that fraction of second, billions and billions of user is connecting to the Facebook. How this Facebook is handle the billions of requests? जब आपका मैट्रिक का और प्लस टू का रिजल्ट आता है उस टाइम पर सपोज 10 AM में पब्लिश होगा, 11 AM में पब्लिश होगा. सो एट दैट टाइमिंग पीपल आर रिक्वेस्टिंग फॉर द रिजल्ट, सो मे बी इट इज हैपन यू आर नॉट गेटिंग योर रिजल्ट एट द प्रॉपर टाइमिंग बिकॉज एट दैट टाइमिंग रिक्वेस्ट इज वेरी ह्यूज. व्हेन द फ्लिपकार्ट इज वेरी न्यू इन आवर इंडिया, so at that timing Flipkart launching big billions day in the 2012, I'm talking about in the 2012 year, Flipkart server is crashed at that month of October. Why? At that timing Flipkart is very new in India and Flipkart is not knowing the pattern of purchasing of Indian people. We are very much crazed to purchase the item in the month of October because of this Durga Puja. So Facebook Flipkart is not expecting that much of people are giving a request to the server. The Flipkart is not prepared. Flipkart wo samay par prepare nahi tha. Wo soch raha tha suppose 1 million people wahan par request bhejenge, but usse zyada request aa gaya तो वहां पर सर्वर क्रैश हो गया. बट फ्लिपकार्ट इज लर्निंग फ्रॉम दैट लेसन एंड इन द नेक्स्ट ईयर देयर इज नो क्रैशेस देयर. प्लीज आई एम टेलिंग दिस पॉइंट फॉर व्हाट. व्हेन यू आर गिविंग ए रिक्वेस्ट टू ए फेसबुक एट दैट टाइमिंग द इंटरनेट इज हैविंग ए मैकेनिज्म, इट विल put all your requests into a small packet. आपका जो सारा request है एक छोटा छोटा packet में convert कर देता है और सारा request को एक row में डाल देता है. जैसे कि आप ticket खरीदने के लिए जाते हो तो आपको एक row में खड़ा होना पड़ता है, उसके बाद line by line आपको ticket मिलता है. तो इस तरह से आपका जो server है, web server है, आपका request उस तरह से एक by एक वो handle करता है. लेकिन वो इतना फास्ट होता है आपको पता नहीं चलता है आपके पास कब रेस्पॉन्स आ गया. और फेसबुक सर्वर इज सच ए हाई वर्जन ऑफ सर्वर, आपका रिक्वेस्ट इमीडिएटली प्रोसेस होता है. तो उस समय पर बैकएंड में क्या प्रोसेस होता है, यहां पर बैकएंड में क्या होता है, वो सारा रिक्वेस्ट को एक पैकेट में कन्वर्ट कर देता है, एक स्मॉल पैकेट, वो एक पैकेट उसको बोलते हैं. एंड एवरी पैकेट कंटेन द सेंडर एड्रेस एंड रिसीवर एड्रेस. कौन रिक्वेस्ट भेज रहा है, किसके पास आपका रिस्पॉन्स आएगा, टू और फ्रॉम. जैसे कि हम चिट्ठी भेजते हैं, टू और फ्रॉम रहता है, और पैकेट में उस तरह से टू एंड फ्रॉम रहता है. व्हेन योर मशीन और योर लैपटॉप, योर मशीन इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, एवरी मशीन इज हैविंग ए आईपी एड्रेस, उसका एक आईपी एड्रेस जनरेट होता है. तो वो आईपी एड्रेस को टीसीपी क्या करता है, जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं एक आईपी एड्रेस से दूसरे आईपी एड्रेस, उसको एक पैकेट में कन्वर्ट करके एक रो में डाल देता है. और डिपेंडिंग अपन आवर रिक्वेस्ट टाइमिंग, आपका रिक्वेस्ट टाइमिंग क्या है और आप कौन सा प्रोसेसर यूज कर रहे हो और इंटरनेट का स्पीड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनेट द फेसबुक इज डिटरमाइनिंग एंड गिविंग यू द रिजल्ट. सो दिस आर्किटेक्चर इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर विद ओनली इन द जावा. यू कैन नॉट से इन द जावा, बट जावा सपोर्ट दिस डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर. Secure. Now, why it is secure? Java has built-in security feature that verifies that the program do not perform any destructive tasks, such as accessing the file on the remote system. मैं मेरा जो file system है, मैं अगर remote में लेता हूँ, so I am connecting you with you in virtual. So when you connected with me with a virtual platform, then if I giving you permission, then you are able to share your screen. As I am a host, if I am allowing you to share your screen, then you are able to share your screen.
कभी आप टीम व्यूअर एक एप्लीकेशन है, हम क्या करते हैं ना, अगर हम कोई दूसरा लोकेशन में, मैं उड़ीसा में प्रेजेंट हो, कोई और एक पर्सन मुंबई में है और उसका सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कुछ हो रहा है, मैं उसको टेक्निकली सोल्यूशन देना चाहता हूँ, तो आई टेक इट इन द टीम व्यूअर, आई एम एडमिन, सो देन आई यूज दैट पर्सन लैपटॉप, मैं उसका लैपटॉप में कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ. बट इफ इट इज अ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज बिल्ट इन द जावा, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू डू एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन इफ यू आर नॉट गिविंग द परमिशन टू दैट पर्सन. सो दिस फीचर इज, यू कैन से इट इज कॉल्ड अ सिक्योर. इन द वर्ल्ड if you found the strongest virus, this strongest virus, computer virus, is made in the Java, and strongest antivirus is made in the Java. Virus bhi banta hai Java se, antivirus bhi banta hai Java se. Jaise bolte hai na, kanta ko kanta se nikala jata hai. It's just like that. Okay, so you can say like in your Android mobile phone, which is backend by the Linux operating system, is not require any kind of एंटीवायरस. हम मोबाइल में कोई एंटीवायरस नहीं डालते, लेकिन जब हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जाते हैं, वहां पर हमको बोला था भाई एंटीवायरस डाल दो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इंटरनेट में कोई वायरस आ जाएगा. सो बट एक्चुअली विंडोज इज रिक्वायर्ड, बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर द जावा प्लेटफॉर्म इज नॉट रिक्वायर्ड. ओके, इजीली द वायरस कैन नॉट अटैक टू योर वर्ड डिवाइसेस. जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करते हो आपका मोबाइल में, वो आपको पूछता है दिस एप्लीकेशन वांट टू रीड योर कॉन्टैक्ट डिटेल, दिस एप्लीकेशन वांट टू रीड योर गैलरी. जब आप परमिशन देते हो तभी वो रीड करता है, अगर आप परमिशन नहीं दोगे वो रीड नहीं करेगा. इट इज आस्किंग यू, आई वॉन्ट टू रीड योर फाइल. हम इसको एग्जाम कर देते हैं और कभी कभार हम इसको इग्नोर करके उसको आगे चला जाते हैं. यू आर गिविंग ए परमिशन ऑन दैट. Okay, so now comes to the Java architecture. In this architecture, first of all, you know how the Java is stored. When I want to store the Java file, your Java file is stored with the extension of .java. Or .java mein uska file store hota hai. .java file is compiled and generate the .class file. Aapka jo Java file hai, wo compile hota hai. और उसमें डॉट क्लास फाइल क्रिएट होता है. अच्छा, वहां पर एक आदमी क्या करेगा, भाई मैं ये आदमी एक कोडिंग लिखा है, मैं जेलसी होकर उसका डॉट क्लास फाइल डिलीट कर दूं, नो प्रॉब्लम ऑन दैट. इफ आई हैव द क्लास फाइल देन आई गेट द आउटपुट. अगर कोई भी आदमी आपका सोर्स कोड डिलीट कर देता है, बट यू आर रिटन द प्रोग्राम एंड कंपाइल द प्रोग्राम, व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ डॉट क्लास फाइल, दैट्स इट, यू टेक दैट क्लास फाइल एंड रन एनीवेयर. If the, your JVM is present, you are, then you are getting a result. So you are getting their output. And dot class file is a bytecode and which can run in any operating system. Kisi bhi operating system mein, kisi bhi device mein wo run ho sakta hai. That is a speciality of Java. So in this dot class file, JVM convert the bytecode contained in the dot class file to the machine code. Aapka jo JVM hota hai, और जो डॉट क्लास फाइल होता है वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, क्योंकि आपका जो डॉट क्लास फाइल है आप इसको ओपन करोगे आप कुछ पता नहीं चलेगा. इट जस्ट लाइक ए जीरो एंड वन फॉर्मेट और लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल्स, सो इट इज नॉट अंडरस्टैंड फॉर द न्यू व्हाट नॉर्मल ह्यूमन. सो दैट जेवीएम नीड्स टू बी इम्प्लीमेंट फॉर ईच प्लेटफॉर्म रनिंग ऑन द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके लिए आपका जेवीएम का जरूरत पड़ेगा. दिस इज वन आर्किटेक्चर. Now see that structure, how the Java file is working. First, you store your application .java file. So by using of Java compiler, it is converted to the bytecode. Bytecode to the machine code by using of Java interpreter. Now in this situation, for converting bytecode to the machine code, here just-in-time compiler is used. Just-in-time compiler. So this just-in-time compiler is used to convert your bytecode to the machine code.
So what is the work of JVM then? JVM form the base for the Java platform, and it is convenient to use on various hardware based application. The main component of JVM is class loader, execution engine and JIT compiler. JVM को बोला जाता है, it is a engine of Java. Java लिखने के लिए जो rules, जो इसको बोलते हैं, जो तौर तरीका जो होता है, वो JVM में define किया जाता है. All rule and regulation is defined in the Java. You can say it is a engine of your Java. Java को run करने के लिए आपको JVM का जरूरत है. उसमें actually क्या है? उसमें है class loader. Class loader क्या है? ना आपको जितना जरूरत है वो आपको उतना ही डेटा देगा. डोंट टेक द अननेसेसरी डेटा. कभी कभार क्या होता है, हम जब बॉफे में जाते हैं कोई मैरिज पार्टी में, हाँ तो ज्यादा खा लेते हैं. हाँ अच्छा अच्छा आइटम बनता है ना, जो जितना पेट में जगह होता है उसको ओवरलोड कर लेते हैं. JVM इज नॉट डूइंग दैट वर्क. तो आपको जितना जरूरत है आपको उतना ही मिलेगा. ओके सो You found the raw, a lot of rust where the mutton counter is there. हाँ वहां पर एक आदमी होगा तो भाई जितने बार आओगे मैं दूंगा लेकिन कम ही दूंगा. तो वहां पर JVM का वर्क वही है. हाँ तो आपको जो जरूरत है वही देगा. Does not rotate the unnecessary classes. So that when you are using JVM, when you are using Java, it gives you what, like when you compile this application, it give you the minimum amount of data or minimum memory leta hai. So that is the work of class loader. Execution engine, Java file ko lekar usko machine code mein convert karne ke liye ye pura JVM ka work hota hai. Yahan par rehta hai JIT compiler. JIT compiler kya karta hai na, aapka jo byte code hai wo byte code ko machine code mein convert karta hai. The work of your JIT compiler. Next architecture is what? Java Application Programming Interface, or it is called as the Java API. The Java API is a collection of software component that provide the capability of GUI application. आपका जो graphic user interface application है उसको design करने के लिए जावा एपीआई यूज होता है. एपीआई फुल फॉर्म इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. मुझे कोई भी एप्लीकेशन जो है, जो जो मेरा एप्लीकेशन है और जो सपोज मुझे क्या करना है, ड्राइंग करना है. ड्राइंग करने के लिए मेरा टूल चाहिए, पेंसिल चाहिए, रबर चाहिए, स्केल चाहिए. The Java API is that kind of work. Java API is a collection of software component that provide the capability such as GUI. The related class and interface of the Java API are grouped into the packages. Okay, the related class and interface of the Java API are grouped into the packages. मतलब तो पैकेज में एक मॉड्यूल में वो प्रेजेंट होता है. तो जब भी आपका जो जरूरत है आप उस मॉड्यूल में, मॉड्यूल से आप कॉल कर. जैसे कि घर में क्या होता है, लाइक यू हैव द डिफरेंट कंटेनर. रसोई का घर में, किचन का रूम में कुछ सॉल्ट का कंटेनर होता है, मिर्ची का एक कंटेनर होता है. तो जब भी आपका जिस कंटेनर का जरूरत होता है उस कंटेनर से आप इंफॉर्मेशन रिट्रीव करो. द रिलेटेड क्लास एंड इंटरफेस ऑफ द जावा एपीआई आर ग्रुप्ड इनटू द पैकेज. Java architecture consists of the following security feature. क्या क्या feature होता है Java में security feature? One is compiler level security. Java prevent the error that arise due to the improper memory uses, reducing the compile time error. Typecasting in Java ensure that there is no data loss in the result or output of the Java code. Okay, so Java prevent the error that arise due to the improper memory uses. कभी कभार क्या होता है, हम जब नंबर्स को ऐड करते हैं
नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो लाख बिलियन ट्रिलियन हो जाता है। तो हमारा कंटेनर छोटा होता है, जब भी आपका डेटा बड़ा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो एक छोटा सा कंटेनर में जगह नहीं होगा। ओके, सपोज एक ग्लास ऑफ वाटर यू हैव एंड यू ट्राइंग टू पावर और ट्राइंग टू प्लेस ऑल द वाटर दैट इज प्रेजेंट इन अ बकेट इन द ग्लास, सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा डालने से क्या होगा, आपका ग्लास में जितना जगह है वहां पर डेटा रहेगा और वाटर रहेगा, और जो ज्यादा वाटर है वो निकल जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा। जावा ये बोलता है कि मेरा डेटा लॉस नहीं होगा, अगर आपका रन टाइम में कुछ डेटा ज्यादा निकलता है तो इट इज कन्वर्टेड वन डाटा टाइप टू द अनदर डाटा टाइप, आपका एक डेटा को दूसरा डेटा में वो कन्वर्ट रन टाइम में कर देगा। सो टाइप कास्टिंग इन द जावा एंश्योर दैट देयर इज नो डेटा लॉस इन द रिजल्ट और आउटपुट ऑफ द जावा। Byte code verifier, it ensures that the byte code doesn't violate access restrictions such as read and write operation and verify that the byte code doesn't forge pointer. The byte code is verified in the two phases. एक है compiler level security, एक होता है byte code. Byte code क्या होता है, आपका जो dot class file होता है, जब आप program को compile करते हो dot class file में बन जाता है, तो जो byte code है दो तरीका से वो रन होता है। इन द फर्स्ट फेज द वेरीफायर चेक द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉट क्लास फाइल, तो वेरीफायर चेक करता है आपका क्लास का स्ट्रक्चर ठीक ठाक है कि नहीं, मतलब कंट्रैक्टर आ जाता है और चेक करता है आपका घर ठीक से बना हुआ कि नहीं, इंजीनियर जो आता है वो चेक करके देखता है कंट्रैक्टर काम ठीक से किया है कि नहीं, तो फर्स्ट फेज में वो चेक करता है वो चीज। तो मेरा रूल के हिसाब से ये प्रोग्राम बना हुआ है कि नहीं। सेकेंड लेवल फेज में क्या होता है, इंजीनियर बोलेगा कि हाँ घर तो बन गया, अभी मैं इसको कहां पर यूटिलाइज करूंगा। इन द सेकेंड लेवल फेज द बाइट कोड इज रन, द बाइट कोड वेरीफायर चेक्स द वैलिडिटी ऑफ द क्लासेस। रास्ता बन गया, घर बन गया, तो घर का वैलिडिटी कब तक है, कितना तक वो स्टेबल होगा, कहीं पर रिपेयर किस समय पर होगा। तो उस तरह से जब मैं प्रोग्राम लिखूंगा, प्रोग्राम में क्या होगा ना, बहुत सारा मेमोरी एलोकेशन होगा, बहुत सारा स्ट्रक्चर होगा, वो स्ट्रक्चर आप कहां पर यूज करोगे। तो सेकेंड लेवल फेज में वो चेक होता है द वैलिडिटी ऑफ द क्लासेस, वेयर यू हैव टू यूज। सो नेक्स्ट इज व्हाट संबित, यू हैव क्वेश्चन एनी डाउट? So as already I discussed about the class loader, class loader determine how and when applet will use in Java running Java environment. मतलब आपको जब भी जो जरूरत होगा और जो पैकेज का जरूरत होगा आपको वही पैकेज आपको मिलेगा, it is not loading the unnecessary classes. Then sandbox model is implemented in the Java applet container such as web browser. ओके, जैसे कि हम क्या होता है, पहले जो वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर था क्लाइंट सर्वर में, सपोज मैं एक क्लाइंट हूं, मैं फेसबुक को एक्सेस करना चाहता हूं, तो मैं डेटा फेसबुक को भेज सकता हूं, मतलब आप मुझे मेरे साथ डेटा शेयरिंग कर सकते हो, लेकिन आप मतलब वन स्टूडेंट कैन नॉट इंटरैक्ट विद अनदर स्टूडेंट, यू आर इंटरैक्टिंग विथ मी, सपोज आई एम क्रिएटिंग अ ग्रुप, यू आर इंटरैक्टिंग विथ मी बट यू cannot interact with the other people. आप एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन सैंडबॉक्स मॉडल जब इंट्रोड्यूस हुआ, वो दो पैकेट क्रिएट किया और दो बॉक्स क्रिएट किया। एक बॉक्स में क्या होगा ना, आप सर्वर के साथ कनेक्टेड कर सकते हो, एक बॉक्स में आप क्लाइंट के साथ कनेक्टेड कर सकते हो। सैंडबॉक्स मॉडल डिटरमाइन द लिमिटेशन ऑफ द जावा एप्लेट दैट दे कैन ओनली एक्सेस द रिसोर्सेज ऑफ द होस्ट कंप्यूटर and cannot access the file on the local computer. मतलब आप सर्वर का इंफॉर्मेशन आप रिट्राइव कर सकते हो, लेकिन आप एक क्लाइंट का इंफॉर्मेशन रिट्राइव नहीं कर सकते हो, एक क्लाइंट दूसरा क्लाइंट का इंफॉर्मेशन रिट्राइव नहीं कर सकते हो। बट बाई यूजिंग ऑफ सैंडबॉक्स मॉडल आई एम एबल टू इंटरैक्ट विद द सर्वर एज वेल एज आई एम इंटरैक्ट विद द क्लाइंट, मैं क्लाइंट के साथ इंटरैक्ट
कर सकता हूँ और सर्वर के साथ इंटरेक्ट भी कर सकता हूँ. सो इट इज लाइक ए टू वे पाथ. इन द टू वे पाथ आई विल डू द वर्क हियर. ओके, सो नेक्स्ट इज योर डेटा टाइप. अच्छा, वैल्यू को स्टोर करने के लिए आपको वेरिएबल चाहिए. वेरिएबल इज व्हाट? वेरिएबल इज ए मेमोरी लोकेशन वेयर यू हैव टू स्टोर ए वैल्यू. आपको पढ़ाई करने के लिए एक सीट चाहिए, सोने के लिए एक बेड चाहिए, सो दैट इज अ वेरिएबल. गाड़ी में जाने के लिए एक सीट चाहिए. ओके, एंड दैट सीट इज नॉट फिक्स फॉर यू. आज आपका डेस्टिनेशन चला गया, फिर दूसरा डेस्टिनेशन में आपका जगह पर और कोई दूसरा आदमी बैठ जाए. तो वेरिएबल इज लाइक दैट. It is a memory location where you have to store the value, but that value is changes throughout the program execution. For storing the value, okay, हम location तो बना दिया, लेकिन उस location पर हम कौन सा data store करें? So that is called as a data type. Data type define the type of data that I want to store in the variable. मैं कौन सा type का value वो variable में store करूँगा, वो data type define करता है. So data type define the type of value that I want to store in a variable. Our Java is a strictly type language, which means that Java gives importance to the type checking. Okay, so Java is a strictly type language. मतलब वो बारीकी से चेक करता है आपका कौन सा डेटा कौन सा मेमोरी में रहेगा. और जो डेटा टाइप है Java में, ये तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है. एक है primitive type, एक होता है reference type, एक होता है abstract type. प्रिमिटिव टाइप जो होता है जो ऑलरेडी जेवीएम में डिफाइन है, रेफरेंस टाइप है जो दूसरा से आया है, ओके, और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट टाइप. ओके, सो वी विल डिस्कस दिस थिंग इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी. ओके, सो आई विल क्लियर योर डाउट. सो इन द नेक्स्ट क्लास बिगिनिंग आई विल क्लियर ऑल योर डाउट. ओके, चलो, गुड नाइट. नेट सर फोटो का मैंने पूरा पेज रो बैकग्राउंड में फोटो.